संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? देखिए, अधिकांश बोला, क्या बोला है? अधिकांश बोला है, तो अधिकांश में साधारण बहुमत के द्वारा पास होता है। संविधान में अधिकांश अनुच्छेद जो संशोधित किया जाता है वह साधारण बहुमत द्वारा ही पास किया जाता है। दो तिहाई भी प्रोसेस है, ओके, लेकिन साधारण बहुमत अधिकांश प्रोसेस किया जाता है। संविधान में अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधित करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है साधारण बहुमत द्वारा। अधिकांश अनुच्छेद बोला, क्या चीज़ बोला? अधिकांश अनुच्छेद बोला है, तब क्या होगा? साधारण बहुमत होगा। वैसे दो तिहाई भी प्रोसेस है। भारतीय संविधान का संशोधन संविधान के परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह परिवर्तन संसद के द्वारा किसी भी सदन में की जा सकती है, ओके। विशिष्ट संशोधनों को राज्य द्वारा भी अनुमोदित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग को संशोधित किया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यों की सहमति, नो, अकेले संसद द्वारा, अकेले व्यवस्थापक। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किए जाते हैं कि अकेले सांसद द्वारा? अधिकांश भाग किसके द्वारा संशोधित किए जाते हैं? अधिकांश भाग सांसदों के द्वारा। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किए जाते हैं अकेले सांसद द्वारा। संविधान संशोधन किया जाता अकेले संसद द्वारा। एक संशोधन के प्रस्ताव की शुरुआत संसद में होती है, जहां बिल के रूप में पेश किया जाता है। इसके बाद इसे संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। प्रत्येक सदन में इसे उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई बहुमत मतदान प्राप्त होना चाहिए। सभी सदस्यों का साधारण बहुमत प्राप्त होना चाहिए, उपस्थित और अनुपस्थित कहिए जो भी। विशिष्ट संशोधनों को कम से कम आधे राज्यों की विधायिका, अगर विशिष्ट संशोधन करना है तो आधे राज्यों की विधायिका को अनुमोदित करना होगा। अगर विशेष प्रकार का संशोधन करना है तो आधे राज्यों की विधायिका को करना पड़ेगा, अनुमोदित किया जाना चाहिए एक बार। जब भी अन्य आवश्यकता पूरी कर ली जाती है संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की जाती है, परंतु यह अंतिम प्रावस्था केवल एक औपचारिक ही है, ऐसे ये पास ही माना जाता है। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया आरंभ कर सकती? कभी नहीं कर सकती। विधानमंडल जो है संविधान संशोधन कभी भी नहीं कर सकता है। विधानमंडल जो है कभी भी संविधान संशोधन नहीं कर सकता है। विधानमंडल जो है कभी भी संविधान संशोधन नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, ओके। 368 के अंतर्गत में भाग 20 में दिया हुआ है संशोधन प्रक्रिया। भारतीय संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है किसके द्वारा? जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता, बाकी लोकसभा और राज्यसभा के बहुमत द्वारा किया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। संसद के दो तिहाई बहुमत के द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। संसद के दो तिहाई बहुमत और राज्यों के एक तिहाई बहुमत से किया जा सकता है। राज्य के एक तिहाई बहुमत कहिए, परंतु आधे राज्य सहमत होना चाहिए, तब विशेष संशोधन होता है। तो ये तीन प्रकार का संशोधन है, साधारण संशोधन, विशिष्ट संशोधन और विशिष्ट संशोधन विधायिका। आधे भाग राजी होना चाहिए, आधा राज्य। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 को। संविधान में पहला संशोधन 1951 को हुआ था, इसमें भूमि संबंधी जोड़ा गया था। अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374, 376 में संशोधन किए गए। दो अन्य अनुच्छेद 31 के क, 31 के ख जोड़े गए। नौवीं अनुसूची भी संविधान में जोड़े गए। 31 का क जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिकता प्रदान की। 31 के ख में नौवीं अनुसूची शामिल किया गया। अधिनियम की वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रथम संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1951 को। प्रथम संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1951 को। इसको नौवीं अनुसूची जोड़ा गया, इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। प्रथम संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो
देसी सुरक्षा नौ किसी राज्य कुछ राज्यों के भूमि से संबंधित है। सॉरी दोस्तों गलत टिपा गया, कुछ राज्यों के कृषि भूमि से सुधार से संबंधित है। कुछ राज्यों के भूमि सुधार से संबंधित है। कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन कौन सा था? तो दसवां था। भूतकालीन प्रभाव का मतलब है कि कोई राज्य किसी यानी कोई देश किसी राज्य पर राज कर रहा था और भूतकालीन प्रभाव यानी वही सिस्टम उसे दिया गया। ओके, तो ये दसवां संविधान संशोधन था। भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाला संविधान संशोधन दसवां था। भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाला संविधान संशोधन दसवां था जो दादर एवं नागर हवेली पुर्तगालियों ने छोड़ा था और उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। राष्ट्रपति की विनियमन बनाने की शक्ति है, उसे प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 240 की ओर पहली सूची को संबोधित किया गया। भूतकालीन प्रभाव से लागू होने पहला तरह का संविधान संशोधन दसवां था। भूतकालीन प्रभाव से संविधान संशोधन पहला था। नागालैंड को 13वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड को 13वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल क्या है? अपूर्ण है। निर्वाचक मंडल अपूर्ण रहेगा तो आप क्या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी आधार को चुनौती नहीं दे सकते। तो ये 11वां संविधान संशोधन था। कौन था? 11वां संविधान संशोधन था। कौन था? 11वां संविधान संशोधन था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? क्या है? निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। तो अपूर्ण देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधान मंडल। ओके, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल को हटाकर राज्य के विधानमंडल को हटा करके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ओके, राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। हाँ, विधानमंडल के सदस्य निर्वाचित मैं बोल रहा हूँ राष्ट्रपति के चुनाव में। 11वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल बनाने हेतु संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक आवश्यक नहीं है। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 371 को संशोधित करके यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचक की इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में किसी कारण से कोई स्थान रिक्त था। कोई स्थान क्या था? रिक्त था। निर्वाचक मंडल में कोई स्थान रिक्त था। निर्वाचक मंडल में कोई स्थान रिक्त था, इस आधार पर आप चुनौती नहीं दे सकते। ओके, तो 11वां संविधान संशोधन था। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण था। क्या था? निर्वाचक मंडल अपूर्ण था। ये 11वां संविधान संशोधन में बोला गया। 11वां संविधान संशोधन में बोला गया। ओके, 11वां संविधान संशोधन में बोला गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों को चुनौती नहीं दे सकते हैं। चुनावों को चुनौती नहीं दे सकते राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को 11वां संविधान संशोधन कहता है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो 11वां ही संविधान संशोधन था। 11वां संविधान संशोधन में ही बोला गया कि संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है, ये 11वां संविधान संशोधन में बोला गया है। 11वां संविधान संशोधन में ही बोला गया था कि उपराष्ट्रपति को चुनाव में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक क्या संयुक्त बैठक बुलाने का आवश्यक नहीं है। ये 11वां संविधान संशोधन करता है। कौन करता है? 11वां संविधान संशोधन करता है। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 71 को संशोधित करके यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में किसी कारण से कोई स्थान रिक्त था।
क्या था? कोई स्थान रिक्त था।